तो हम लोग चंद्रशिला और तुंगनाथ का ट्रैक करके हम लोग आ गए हैं नीचे। और जैसे नीचे आए तो गाड़ी मिली थी ऊखी मठ की, तो फिलहाल हमारा प्लान है ऊखी मठ जाने का, तो हम लोग जा रहे हैं ऊखी मठ। तो अब देखिए आप यहाँ से चौपता से लेके ऊखी मठ तक का रास्ता। सबकी जद्दोजहद चल रही है गाना चलाने के लिए। मैंने ट्राई किया, मेरे गाना चल दिया। राजू गाड़ी जा रहे हैं बड़े मस्त, ठीक है। पीछे मैडम बैठी हुई है, वो आई थी, वो आई थी सोलो, और सोलो ही वापस जा रही है। और पीछे शिवम बैठा हुआ है, दिव्यांश से बैठा हुआ है, और मजे ले रहे हैं। ये है कुछ रास्ता ऐसा, रास्ता हो गया कुछ ऐसा। कितने ज्यादा तो डिलीट किया जब पे चला। के साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं, घरवाली गानों का आनंद लेते हुए पूरे रास्ते का ले रहे हैं मजा। तो आप नीचे जो नदी देख रहे हैं ना, इस नदी का नाम है आकाश कामनी। यही ये नदी निकलती है वहाँ से तुंगनाथ से नदी निकलती है। तो ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। नाला वाटरफॉल देखिए कितना मस्त उसका नज़ारा है। और नीचे है नदी, उसमें जाके गिर रहा है।
तो नीचाई रोड चलेगी केदारनाथ जी की ओर को, मदनी गुप्त काशी की ओर को, ऊपरी रोड चलेगी सीधे ओकी मठ को। ओकी मठ यहाँ से सिर्फ है आधा किलोमीटर इस चढ़ाई में। तो हम भैया के साथ आए थे चौपता से लेके ओकी मठ तक। भैया अपना नंबर बता दो, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 9634465811। हाँ, तो आप यहाँ से मतलब जो भी चौपता वोपता के घूमना है, सारी विलेज घूमना है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो ये आपको वहाँ आराम से छोड़ देंगे। तो ये सफ़र था यहाँ तक चौपता से लेके ओकी मठ तक था। अभी हमको ढूंढना है होटल, पहले होटल लूटते हैं। इसकी बेइज्जती कर रहा है, ठीक है। अभी एक वहाँ रुद्रनाथ तक जो नहीं कर रहा है ना, तो उसके लिए मतलब जिंदगी के बाद उसको पछतावा मिलेगा, उसकी बेइज्जती होती रहेगी। मैं जून में कंप्लीट करके दिखाऊंगा, ठीक है। कंप्लीट करके दिखाएगा फोटो इंस्टाग्राम में, मैं अब शेयर करूँगा, ठीक है। तो हमने रूम लिया है ओकी मठ में, बहुत बार्गेनिंग करने के बाद 800 रुपये, मतलब हमने कितना बोला कि भैया 600 करते, लेकिन माने नहीं, लास्ट में 800 रुपये में रूम मिला है। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, बहुत मस्त था रास्ता, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको आगे तक फैला दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।